नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, आप सभी का इस विशेष एपिसोड में स्वागत है। आज हम वाल्यू में है एक गंभीर विषय लेके आए ले, जहाँ पर बेसहारा लोग का एक आसरा बना हुआ है, एक घर बनाया गया है। वसई विरार महानगर पालिका ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस तरह से सोच के साथ यहाँ पर बनाया है एक बेसहारा लोग के लिए आसरा घर। ये आसरा 1 करोड़ में बनाया है, आसरा घर या आश्रम बोलते हैं इसको, जहाँ पर कोई भी नहीं है उनका, उनके लिए बनाया गया है, बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। लेकिन आज इसकी अवस्था ऐसी है कि जगह जगह पर यहाँ पर कचरे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरा के माध्यम से, ये पूरा कचरा यहाँ पर है, गंदगी इतनी फैली हुई है। 1 करोड़ की लागत से बना है और कोई खास नहीं, 1 करोड़ की लागत से बना हुआ है, और लेकिन आज उनकी अवस्था देख लीजिए। ये है, दिस इज़ द प्लेस वेयर द पीपल विद डेस्टिट्यूट्स दे विल बी स्टेइंग ओवर हियर, दे विल बी प्लेस्ड ओवर हियर एंड सी व्हाट द गार्बेज इज देयर। अंदर देख सकते हैं आप, वो बियर का कैन है, यानी शराबियों का अड्डा। और दूसरा यहाँ पर जो स्टील के रॉड्स देखो, ये पूरी नई है, नई इमारत है, इसके रॉड भी टूट गए हैं। यहाँ पर जो भी आते हैं यहाँ पर गंदगी करते हैं और उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हैं। जो इस्तेमाल करने के लायक है, जिसे देना चाहिए, वो अभी तक दिया नहीं गया है। और ख़ास बात यह है कि ये 2 महीने पहले ही ये लोकार्पण किया गया, इन्हें लोगों को दिया गया है, लेकिन आज तक ये खुला नहीं है। क्या बात है, इसे गंभीर एक सवाल उठता है कि क्यों नहीं, क्या वसई विरार महानगर पालिका सोच नहीं रही कि इसे खोलने के लिए। इसी बात को हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान लोग आए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या लगता है सर, वसई विरार महानगर पालिका गंभीर नहीं है ऐसे बात पे, क्या निराधार लोग को ये देने का नहीं है ऐसा लगता है? आज जो लोगों को रहने के लिए निराधार योजना के हिसाब से आदमी लोग को रहने के लिए किया है, महानगर पालिका ने इधर दुर्लक्ष किया है। आज इधर देखेंगे तो चर्सी गर्दुले लोग इधर बैठते, इधर दारू पीते, शराब पीते और गांजा पीते, मतलब इधर जो सुविधा मांगती है वो सुविधा नहीं। इधर गेट लगाना मांगता है, कंपाउंड लगाना मांगता है, वॉचमैन रखना मांगता है। आज 13 सितंबर को ये ओपनिंग किया है, आज अच्छे अच्छे आदमी लोग के नाम से नाम डाल के वो ओपनिंग किया है, ऐसा भी नहीं, इधर सत्ताधारी लोग ने ही ओपनिंग किया है। आज इधर रहने वाले आदमी लोग अच्छे 1 करोड़ रुपया लगा के ये बांधकाम किया है। आज इधर अच्छा करते तो उधर आदमी लोग रहते थे, मगर ये लोग ने दुर्लक्ष, महानगर पालिका प्रशासन ने दुर्लक्ष करने के बावजूद ये इधर दुर्लक्ष, मतलब खराब चीज़ हो गई है। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता ऐसा आपको लगता है? प्रशासन महानगर पालिका का जो कारोबार है तो पूर्ण भोंगळ है। आता एवढे मोठे 1 करोड़ रुपये खर्च करून जर इथे कोणतेही स्टाफ किंवा कोणतीही सिक्युरिटी आपण ठेवत नसाल तर तो असे दारू बियरचे कॅन पडलेले आहेत, किती कचरा पडलेला आहे, असे वसी फाटायला पण असे किती निवारण पडलेले आहेत, पण त्याचं काहीच नाही। इथे एकही स्टाफ ठेवला नाही अजूनपर्यंत 3 महिन्यापर्यंत, फक्त गर्दुले लोक येऊन चरस, गांजा हे सगळे इथे पीत असतात, बाकी अजूनपर्यंत इथे काहीच दिसत नाही तुम्ही बघत आहात। मला वाटतं प्रशासन गंभीर नाही याच्यात, म्हणजे वसई विरार महानगरपालिका गंभीर नाही याच्यावरती तुम्हाला वाटतं असं? आता 3 महिने झाले, 3 महिन्यात कोणता स्टाफ नाही, काही नाही, मग गंभीर नसेलच ना। फक्त एक टेंडर काढून 1 करोड़ रुपये खर्च करून फक्त नावासाठी केलेलं, 3 महिने अजूनपर्यंत इथं काही झालेलं नाही। सर क्या लगता है, वसई विरार महानगरपालिका गंभीर नहीं ऐसा लगता है आपको? जिस तरह से अवस्था यहाँ पर जो निराधार लोग के लिए देना चाहिए था, ये चालू होना चाहिए था। शहर के जितने भी निराधार है उनको यहाँ पर हम लोग कर सकते थे, उनको एक आसरा मिल जाता, तो कहीं पर भी आपको लगता है महानगर पालिका के जो अधिकारी हो या फिर महानगर पालिका प्रशासन कहीं पर भी चूक है? नहीं, ये बात तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर साहब का कि वसई विरार महानगर पालिका ऐसा महानगर पालिका है जिसका एक देखने का विज़न आपका का जो है बहुत बढ़िया रहता है। आज आजू बाजू की महानगर पालिका में ऐसा एक रात्र निवारा केंद्र यहाँ पे बनाया, लगभग 1 करोड़ का यहाँ पे जो लागत लग के ये जो बनाया है, तो उनके लिए मैं पहले तो लोक नेता हितेंद्र ठाकुर इनको धन्यवाद दूंगा। उसी के साथ साथ खास करके मैं हमारी जो प्रभाग समिति, ये वालियों की प्रभाग समिति जो है, जी समिति, इसके जो सभापति और खास करके ये एरिया के जो हमारे कॉरपोरेटर नगर सेवक है, इन्होंने यहाँ पे ये जो जगह पड़ी थी इसका एक अच्छा सदुपयोग करने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा एक प्रस्ताव रखा और इसके ऊपर हम मानते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या क्या है, प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है?
प्रशासन गंभीर नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं। अभी अभी 3 महीना हुआ है उसका लोकार्पण सोलह हो गया है, 3 महीने में अभी यहाँ पे जो सुविधा मिलनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे कुछ काम और बाकी। इलेक्शन के दिखावे के लिए लोकार्पण था क्या? नहीं नहीं, इलेक्शन के दिखावे के लिए नहीं, आज आपके सामने इतनी बड़ी इमारत दिखाई देती है ना, गलत चीज़ है। आज इन्होंने बोला कि लोक नेता हितेंद्र ठाकुर का नाम लिया, अच्छी बात है, वो बोर्ड पर हितेंद्र ठाकुर का ही नाम है। आज कॉर्पोरेटर का नाम लिया तो किशोर धुमान नगर सेवक है, उनकी वाइफ नगर सेविका है। इन्होंने ये जो करोड़ रुपए था पैसा ये मुफ्त में नहीं आया, उन्होंने खर्चा किया है गवर्नमेंट के हिसाब से, लोगों को रहने के लिए जो बुजुर्ग रहेंगे उनको लिए रखा है, कोई अच्छे आदमी लोग आने वाले उनके लिए रखा है, मगर इन्होंने क्या ध्यान रखा है मेरे को बताओ? आज करोड़ रुपया पानी में डाला है, ये पानी में क्या है? बिल्कुल नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से हो, आपको ये पता है कि इतनी बड़ी प्रशस्त इमारत बनाने का इसका मतलब ये नहीं कि पानी में गया। हाँ, कुछ सुविधाएं यहाँ पे देना बहुत जरूरी है, जैसा कि हमारे जो दोस्त बोल रहे हैं उनका भी आभार मानूंगा, क्योंकि आज जरूर ये बात हम भी हमारे सभापति और हमारे जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो हो सकता है प्रशासनिक अधिकारियों के कुछ कारोबार में कुछ हो सकता है कमियां, लेकिन हम इसके पीछे जरूर लगेंगे। आज इतनी बड़ी इमारत होने के बाद में इसका वॉल कंपाउंड हो जहाँ पे जैसा इन लोगों ने जो मुद्दा उठाया, करोड़ रुपए का इन्होंने मैं हमारे दोस्त जो है जयेंद्र पाटिल साहब, उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए बहुत अच्छे मुद्दे, कि इसका अगर वॉल कंपाउंड हो जाएगा यहाँ पे, अगर सिक्योरिटी गेट लगेगा और उसके बाद में अगर इस इमारत का अगर सही उपयोग चालू नहीं होना क्या है होने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये बात के लिए 3 महीना हुआ है, क्यों नहीं रखे? इधर आदमी लोग रखते थे, आज इधर सुविधा रखता था, इधर आदमी लोग रहते थे, आदमी लोग मतलब सुविधा अच्छा रहता था। बताओ मेरे को, इधर दारू पिया क्या 3 महीने में? क्या इन्होंने 3 महीना होने के बाद क्या किया है? कुछ कौन दोषी है? प्रशासन दोषी है क्या, फिर उनको चलाने वाले दोषी है? नगर पालिका ही दोषी है, क्योंकि 3 महीना होके बना के हो चुका है, लोकार्पण किया है तो उन्होंने स्टाफ रखना चाहिए था यहाँ पे, पूरा यहाँ का सिक्योरिटी देखना चाहिए था, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी वॉल कंपाउंड बनाएंगे, ये बनाएंगे, कभी बनाएंगे, इमारत खराब हो जाएगी तब जरा। हाँ वैसा अभी खराब हो ही गई ना, देखो ना पूरा कोई कटिंग करके लेके जाए, कोई कटिंग करके लेके जाए रॉड, ये सब लोग आपके माध्यम से क्या बोले, आपके माध्यम से क्या बोलेंगे? ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो मुद्दा यहाँ पे जाकिर भाई आपके चैनल के माध्यम से जो उठाया गया है, इसका ध्यान मैं आकर्षित जरूर करूंगा। हमारे जो यहाँ के कॉर्पोरेटर हो, चाहे सभापति हो, चाहे हमारे सहायक आयुक्त हो, मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि यहाँ पे जरूर बोलेंगे हम, यहाँ पे जो कंपाउंड है उसके बाद में यहाँ की जो सुरक्षा है या भी यहाँ पे जो वॉचमैन का हो चाहे सिक्योरिटी का हो, ये इंतजाम होना जरूरी है। ये हमारे भी समझ में आ गई बात, लेकिन हम जरूर ये मुद्दे को उठाएंगे। इतनी बड़ी प्रशस्त इमारत, आज जो यहाँ पे रात्र निवारा केंद्र है ये निराधार या फिर कुछ ऐसा जो वृद्धाश्रम जैसा ये नहीं है, रात के टाइम जिन लोगों के लिए सहारा, जहाँ रहने की सुविधा नहीं मिलती, जो लोग बाहर रहते हैं उनके रहने के लिए अगर व्यवस्था किया हो। लेकिन प्लानिंग, अभी घर बनाते हैं प्लानिंग कैसा होता है? घर बनाते समय पहले तो कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनाने के बाद फिर इमारत बनती है, ये उल्टा कैसा हो रहा है? अभी क्यों नहीं कंपाउंड बन रहा है? बात बोलना चाहूँगा कि ये जो मुद्दे उठाते हैं हमारे जो दोस्त है, वो भी अगर इस मुद्दे को हम लोग, अगर इतनी बड़ी प्रशस्त इमारत हमारे एरिया में बनी है तो उसके ऊपर हमारा ध्यान रहना भी जरूरी है। जैसे कि हमारे दोस्त उन्होंने बताया कि यहाँ पे कंपाउंड होना जरूरी है, या फिर यहाँ पे एक सुरक्षा 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 के लिए गेट होना जरूरी है, या फिर सुरक्षा रक्षक की जरूरत है, चाहे गार्डन है। आप क्या अपेक्षा करते हैं उनसे, क्या अपेक्षा करते हैं? मैं इनसे अपेक्षा नहीं, इन्होंने जो मुद्दे उठाए, लेकिन हम जरूर इसके लिए हम लोग भी यहाँ पर बात रखेंगे हमारे लोगों के सामने, हमारे अधिकारियों के सामने, हो सकता है आपा के सामने भी इस बात को हम लोग रखेंगे। कहीं तो आप मान रहे कि हम लोग दोषी है? नहीं, दोषी बिल्कुल नहीं है। आज 1 करोड़ का अगर यहाँ पे हम लोगों ने अगर प्रशस्त इमारत बनाई होगी, आज हमारे आजू बाजू में, चाहे मेरा भाईंदर हो, चाहे डोंबिवली जा, हाँ अंबरनाथ डोंबिवली, ये एरिया में भी आज रात का निवारा केंद्र बनाया नहीं, ये पहली बार ऐसा बना। दोषी नहीं है? दोषी है, देखने जाएगा तो मुद्दा कभी उठाया जाता है, जिस टाइम कुछ बनाना है उस टाइम पे मुद्दा बनाया। इन्होंने लोकार्पण किया हुआ है, लोकार्पण करने के बाद भी इनको अगर इनको जाके मुद्दा उठाना पड़ता रहेगा तो कितनी मतलब शर्मनाक बात होगी। निराधर लोगों के साथ खेल हो रहा है, आपको खिलवाड़ हो रहा है लगता है? आपको खिलवाड़ तो हो ही रहा है निराधर के साथ में। अभी जो रात्रि निवारा केंद्र है वो गर्दुल्ले की रात्रि निवारा केंद्र इन्होंने बनाया हुआ है। गर्दुल्ले के हो गया ये वो निवारण केंद्र गर्दुल्ले, ये बोल रहे हैं ना आमदार हितेंद्र ठाकुर, नगर सभा हमारे कॉर्पोरेट ने किया है। आज तुम देखेंगे इधर बाजू में बच्चे लोग हैं, उधर का बाजू का देखेंगे टाकी सब खुला है, उनको लॉक नहीं है। अगर बाई चांस बच्चा गिरेगा तो कौन जिम्मेदार है? इधर आज कंपाउंड रहता था तो इधर कंपाउंड रहते तो कोई आते नहीं थे, सिक्योरिटी रहता है तो अच्छा रहता था। इधर चौसी लोग आते, गर्दुले लोग आते, इधर शराब पीते, अच्छा लगता है क्या? इसका मतलब ये देना नहीं है उनको लगता है? नहीं देना, इसके लिए ना ये नहीं ये देना नहीं, ऐसा नहीं देने का, इतना करोड़ों का गई इन्होंने
भ्रष्टाचार किया ऐसा मैं आरोप करता हूँ। बिल्कुल भी मैं इस बात के लिए सहमत बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हमारे कॉरपोरेटर ने जो प्रस्ताव रखा यहाँ पे कि प्रभाग समिति के अंदर हमारे यहाँ पे रात्र निवारा केंद्र होना चाहिए और इस प्रस्ताव को मान्यता देके आज 1 करोड़ रुपए के लगभग लागत से ये इमारत बनाई, लेकिन 3 महीना मतलब 3 महीने में अभी लोकार्पण 3 महीने के पहला हो गया है और उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे शायद इस बस्ती में, जो रात के टाइम हमारे स्कूल के जैसे इमारत में भी कुछ ऐसे जो समाज के अंदर जो ऐसे कुछ गतिविधियां करने वाले लोग रहते वो तो करते हैं, लेकिन अतिक्रमण है ना, तुम्हारी इमारत है, तुम 1 करोड़ रुपये खर्चा किए और तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी नहीं है तो अतिक्रमण है। और कंपाउंड में देखो ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है और गंदगी इतनी फैल गई है, तो इसका मतलब है क्या आपको देना नहीं है, आपको ढिलाई बरत रहे आप लोग? नहीं, इसके लिए मैं तो अभी इस बात के लिए मेरा बात अभी हमारे कॉरपोरेटर से बात हुआ था, उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा है कि यहाँ पे वॉल कंपाउंड का बात रखा हुआ है, उसके बाद में हमारे प्रभाग समिति के जो सभापति है उनसे भी हमारा बात हो गया है, इसके कंपाउंड के ऊपर हो चाहे इसकी सुरक्षा के ऊपर हो चाहे इसके ऊपर देखभाल के हो, हम लोग इसके पीछे जरूर 1-1.5 महीने के अंदर हम सभी जन यहाँ पे वापस एक प्रोग्राम रखेंगे। मनसे की अपनी एक स्टाइल रहती है, क्या मनसे वो स्टाइल अपना सकती है कि इस मुद्दे के लिए? उन्होंने अगर ये नहीं खोला ना तो मैं इधर बाजू में बस्ती है ना, जो गोर गरीब लोग हैं ना इसमें घुसा दूंगा, आज ये लॉक खोल के मैं इधर इधर घुसाऊंगा, ये लोग कंपाउंड नहीं मारेंगे तो अपने जेब से पैसा डाल के कंपाउंड मारूंगा और इधर जो बस्ती लोग हैं ना उन लोग को रहने के लिए जगह नहीं रहेगा ना, या बुजुर्ग लोग कोई नहीं रहेगा, तो मैं खोल के ये उसमें घुसा। आप किस तरह से आवाज उठाएंगे इस तरह पे? मतलब अभी ये लोग इधर महानगर पालिका दुर्घटना होने का देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ रात को गर्दुला के पीछे जो बात नहीं होना चाहिए वहाँ आप यहाँ पे होने की राह देख रहे हैं, जो हिसाब से जो हैदराबाद में हुआ है वही चीज़ आज है। अभी अगर ये ऐसा बना के रखे, पहले अगर ओपन रहता तो कोई नहीं था अगर इधर आता था, आज ये बनाए है और यहाँ पे आते हैं रात को, सब ये पार्टी चलती है और उसके ऊपर से अगर कुछ ऐसा आने जाने में इधर कैसा वस्ती भी है, अगर चल के कुछ बड़ा दुर्घटना होने का इंतज़ार कर रहे हैं क्या महानगर पालिका हैदराबाद जैसा? हाँ वही, और इतना अगर खर्चा किए तो आप एक गार्ड तो रख सकते हो, इतना तो कर ही सकते हैं आप। और ऐसे रास्ते पे कितने मतलब रात्र मतलब आदमी पड़े हुए जो भिखारी उनको भी एडजस्टमेंट करवा सकते हैं यहाँ पे, रात्र निवारण केंद्र किया है ना तो उसको कुछ ना कुछ तो उपयोग होना चाहिए, लोकार्पण तुमने किया है। बड़ी आशंका व्यक्त की उन्होंने, हैदराबाद जैसे मामले हो सकते हैं यहाँ पर, क्या आपको नहीं लगता है ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो बाहर के बस्ती बाहर के रहने वाले झोपड़पट्टी यहाँ पर ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आप जिम्मेदारी लेंगे क्या? ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग रहेंगे जिम्मेदार? जिम्मेदारी तो सब समाज के हमारे लोगों की बनती है, हमारे युवाओं की बनती है कि इसके ऊपर जो आज हैदराबाद में हुआ, हमारे आज कल के पेपर में हमारे वसई का भी एक इंसिडेंस हमारे सामने आया, तो ये जो विकृत मानसिक वृत्ति रहती है वो लोग इसमें होते हैं, तो हम लोग ये ऐसा तो नहीं कि अपने एरिया में ऐसी कई दुर्घटना घटे, हम इसके लिए तो अवेयरनेस लोगों के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो सुविधा होनी जरूरी है उसके पीछे पाठपुरावा करने के लिए हम लोग जरूर इसके लिए हम लोग प्रयास भी करेंगे। और रही बात जरूरत क्या है, खुद का है, लोकार्पण हो गया तो पाठपुरा करने का जरूरत ही क्या है? लोकार्पण करने के टाइम पे अपन पूरा फुल प्लानिंग के साथ करना चाहिए, जो करना है वो लोकार्पण हो गया, लेकिन यहाँ पे जो सुविधाएं देनी जरूरी है उस सुविधाओं के लिए भी हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे, हम लोग बात रखेंगे। और चुनाव आने की बात नहीं है, आज आप अगर देखेंगे इस इमारत में अगर कैमरा घूमता है तो आपकी नज़र में आ जाएगा कि वसई विरार महानगर पालिका ने इतनी सुंदर एक इमारत बनाई है। हाँ, लेकिन कुछ कमियां हमारे प्रशासन की ओर से होती हो या, लेकिन हम लोग इसके बारे में हम लोग हमारे आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है महानगर पालिका निर्दयी है? निर्दयी तो नहीं बोल सकते, मगर इन्होंने बनाया है तो उसका लोकोपयोग होना चाहिए, सिर्फ लोकार्पण करके सिर्फ चुनाव के पहला क्रेडिट लेना ये मतलब सबसे गड़ी गलत चीज़ है। क्या लोकार्पण लगता है महानगर पालिका इस पर गंभीर है क्या, लोगों को आसरा देने के लिए? महानगर पालिका इसमें गंभीर है नहीं, इन्होंने मेरे भाई रंधीर कामले ने बोला है और सतीश सावरकर ने भी बोला, अश्विन ने, आज मैं सोचता हूँ कि महानगर पालिका बोल रहे हैं ना कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, आज ये खुद बड़े हमारे कॉर्पोरेटर है, सभापति है, हमारे आमदार है, अरे चुनाव के पहले ये ओपनिंग किया है, चुनाव के बाद में अभी किधर है दिखाओ? दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ना अधिकारी? जरूर, अगर कुछ प्रस्ताव प्रपोजल अगर दिए होंगे पास हुए होंगे और उसके बाद में अगर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए हम भी यही मांग करेंगे कि अगर उसके जिम्मेदार कोई प्रशासनिक कोई ऑफिसर रहेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आश्वासन है कितने दिन में खुल जाएगा इसके बारे में? मैं कोई ऐसा नहीं, एक मैं भी सामान्य कार्यकर्ता इनके जैसा हूँ जो कि संवेदनशील कार्यकर्ता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो हमारे दोस्त लोगों ने जो डिमांड रखी या जो भी सुविधाएं के बारे में जो बात रखी उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने जो बात उठाई तो वो कैसी पूरी हो
इसके लिए मेरे जैसा एक जिम्मेदार कार्यकर्ता इस बात को जरूर वहां तक पहुंचाऊंगा और मैं इनसे भी एक गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि आप भी इस महानगर पालिका के कार्यक्षेत्र के अंदर के मेरी बात खाली कि मैं चाहूंगा कि ऐसे हमारे जो दोस्त लोग हैं यहां पे मुद्दा जैसा उठाया तो प्रशासनिक तौर पे जो भी लीगली प्रोसीजर में जो भी कुछ करना आए तो उसके लिए भी आप आगे आना चाहिए। हम आपके साथ में और हम भी चाहते हैं कि इसलिए हम लोग भी इसके लिए मैं भी आगे ये बात रखूंगा कि यहाँ पे जो सुविधा जरूरी है करनी वो करनी जरूरी है, उसके लिए मैं उसके लिए भी पीछे पाठ पूरा करूँगा। यहाँ पर एक गंभीर मुद्दा ऐसा आता है कि हम अगर कोई अगर समझो प्लान बनाते हैं कोई बिल्डिंग बनाने के लिए तो बिल्डिंग बनाने से पहले हम कंपाउंड मारते हैं, कंपाउंड मारने के बाद हम लोग बिल्डिंग पे जाते हैं। यहाँ पर तो उल्टा दिखा दिया, यहाँ पर बिल्डिंग हो गई, 1 करोड़ लागत हो गया और बहुत आलीशान बिल्डिंग हो गई लेकिन कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड ना होने से यहाँ पर अतिक्रमण चल रहा, बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ पर आते, यहाँ पर अंदर जो स्थिति आपने देखी, कचरा देखी आपने, इससे लगता है कि सभी गर्दू लोग का ये अड्डा बन गया है। और आज जो मेहमान जो आए थे उनका ये कहना है कि हम लोग चाहेंगे क्या ये अधिकारी के तौर पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे और साथ में मिल के इस पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हमारी भी ये विनती है कि साथ में आके आप आवाज़ उठाएं, लेकिन जल्द से जल्द ये निराधार केंद्र है जो बेसहारा लोग का केंद्र है, ये घर है उनके लिए जल्द से जल्द खुला किया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई नहीं आगे पीछे, जिनका एक एक टाइम के खाने के बेचारे के वांदे हैं। ऐसा अगर समझे बेसहारा केंद्र में अगर वो आते हैं रहते हैं तो उनका एक टाइम पर खाना भी हो जाएगा, उनका रहना भी हो जाएगा और वो दुआ भी देंगे महानगर पालिका को। वैसे बहुत बड़ी बात है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इस तरह से कोई बसेरा नहीं बनाया, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका ने बसेरा बनाया। अगर पालघर जिले में देखें तो इस तरह का कहीं पर बसेरा नहीं, एक बड़ी बात है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट और अच्छे तरह से रखना ये महानगर पालिका का काम है। इसके लिए हम चाहेंगे महानगर पालिका ने जल्द से जल्द खुला करें, जितने भी बेसहारा लोग हैं उनको यहाँ पर रखें और उनका इंतज़ाम करें यहाँ पर रहने का। इस तरह से मुद्दे हम उठाते रहेंगे, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। कैमरामैन इब्राहिम के साथ एम जाकिर।